करीना कपूर खान दोबारा बनी माँ, फिर दिया बेबी बॉय को जन्म। करीना कपूर खान दोबारा माँ बन गई हैं। इस बार उन्होंने बेबी बॉय करीना कपूर खान सेकंड बेबी को जन्म दिया है, यानी करीना दूसरे बच्चे की माँ और सैफ अली खान चौथे बच्चे के पिता बन गए हैं। करीना कपूर खान को कल रात ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया था। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अगस्त 2020 में एक बयान जारी कर घोषणा की थी कि वे दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। करीना कपूर की डिलीवरी डेट 15 फरवरी की बताई जा रही थी। ऐसे में एक ट्रेस के फैन बीते कुछ दिनों से इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीना कपूर खान ने 2016 में अपने पहले बेटे तैमूर अली खान को जन्म दिया था, जिसके बाद अब यह उनका दूसरा बच्चा है। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विराट भयानी के पोस्ट के मुताबिक करीना कपूर ने सुबह 4:45 पर अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। हालांकि कपूर परिवार की ओर से अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फैंस को भी कपूर फैमिली की ओर से करीना सैफ की दूसरी संतान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। मालूम हो कि दूसरे बच्चे के जन्म से पहले ही सैफ अली खान और करीना कपूर बड़े घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इस घर में एक स्पेशल नर्सरी भी बनवाई गई है, जहां तैमूर अपने छोटे भाई के साथ समय बिता सकेंगे। इसके साथ ही तैमूर अली खान को भी दोनों ने पहले से ही नए मेहमान के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में भी करीना लगातार काम करती रही हैं। बच्चे के जन्म के बाद वह उसे पूरा समय दे सकें, इसलिए करीना ने बैक टू बैक शूट कर अपना सारा काम पहले ही फिनिश कर दिया है।